नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय महाकाल, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों भगवान खुद कहते हैं कि ऐसे पांच घरों में मैं कभी भी नहीं जाता। अगर आप जानेंगे कि उन पांच में से एक आप भी शामिल है तो आप दुनिया के सबसे बड़े पापी है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो लोग। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों नंबर एक, घर का ख्याल ना रखने वाले लोग। भगवान ये कहते हैं कि जो औरत या मर्द अपने घर का ख्याल बखूबी से नहीं रख सकते तो उन्हें धन की कोई आवश्यकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अगर अपने घर की कोई भी चिंता ना हो और घर की ईंटें भी टूट जाने पर उसे कोई भी फर्क ना पड़ता हो और वो व्यक्ति घर को गंदा भी रखता हो तो भगवान वहाँ पर निवास कभी भी नहीं करते। वहीं ऐसे घरों में पैसा भी नहीं टिकता और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए घर की चिंता करने वाला व्यक्ति ही विजय प्राप्त करता है। यानी कि आपको अपने घर में अगर कहीं टूट फूट है तो उसे ठीक करवा लेनी चाहिए, घर का बखूबी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों नंबर दो, पति पत्नी में मार पिटाई। जिस घर में पति पत्नी में मार पिटाई या गंदी गालियों से दिन की शुरुआत हो तो वहाँ तो गलती से भी भगवान कभी भी नहीं जाते। माता लक्ष्मी ने स्वयं इस बात को कहा है कि जिस घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वहाँ तो मैं गलती से भी अपना कदम कभी भी नहीं रखती, बल्कि ऐसे घरों में सुख समृद्धि का नाश हो जाता है और उनकी आने वाली पीढ़ी भी इनके बुरे कर्मों के कारण पूरी जिंदगी मनहूसियत का सामना करती है। दोस्तों नंबर तीन, कर्महीन व्यक्ति। भगवान ने साफ साफ लिख दिया है कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है तो उसे अपने अगले जन्म में किसी ऐसे गर्भ से जन्म मिलता है जो पहले से ही अपने पापों को भुगत रहा हो। आपको बता दें, कर्महीन व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अच्छा कर्म ना कर सके, जिसका कर्म अच्छा ना हो, ऐसे में जो दूसरों को खुश ना देख सके तो उसे कर्महीन कहा जाता है। वहीं जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे अगले जन्म में उसका फल अवश्य मिलता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी गर्भ से जन्म लेता है जो बहुत अमीर होती है और सारी खुशियां उसकी झोली में होती है। जहां दौलत का अंबार होता है वहां पर उन्हें सुख समृद्धि हासिल होती है। ऐसे में इन लोगों को ईश्वर की भाषा में कर्म का पुजारी कहा जाता है। दोस्तों नंबर चार, माँ बाप को मामूली समझने वाला। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को मामूली समझता है तो उसे अगले जन्म में ऐसा दंड मिलता है जिसके कारण बस यही सोचता रह जाता है वो जिंदगी भर के क्या पता पिछले जन्म में उसने क्या पाप किए थे जो आज भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार माँ बाप पर जो व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसे अगले जन्म में या उसके उसी जन्म में बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसकी आने वाली संतान भी यही करती है जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। इसीलिए माँ बाप के साथ कभी भी अत्याचार न करें, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप माँ बाप है और जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है तो वो ईश्वर को प्रिय हो जाता है। दोस्तों नंबर पाँच, महिलाओं पर अत्याचार। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी महिला पर अगर अत्याचार करता है तो उसे कई ऐसे पाप लगते हैं जिसके बारे में जानना और सुनने से भी रूह कांप जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का अपमान पूरी सृष्टि का अपमान माना जाता है। जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता तो वहाँ पर ईश्वर कभी भी निवास नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार जहाँ नारी जाति का सम्मान होता है ईश्वर वहीं निवास करते हैं। दोस्तों अगर आपकी कोई इच्छा काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पूजा के समय कुछ गलतियां जाने अनजाने में कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। दोस्तों अधिकांश हिंदू घरों में रोज नियम से पूजा पाठ किया जाता है और वो अपने घरों में भगवान को एकांत में जगह देते हैं जहाँ कोई चीज अपवित्र ना पहुँचे। वही धार्मिक मान्यताओं में भी देवी देवताओं की पूजा पाठ की विधिवत परंपरा बताई गई है। लेकिन कई बार पूजा करते समय कुछ गलतियां हो जाती है जिसका लोगों को डर रहता है कि कहीं उनके साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे में उन्हें पहले से सचेत रहना चाहिए और देवी देवताओं की विधिवत पूजा करनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके भाव देखते हैं, भाव सच्चे हैं तो भगवान आपकी पूजा जरूर स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है जिससे आपको किसी भी तरह की समस्या ना झेलनी पड़े और घर में सुख शांति आए। नंबर एक, पंच देवों की पूजा करना ना भूले।
अगर आप नियमित पूजा पाठ करते हैं तो पंचदेवों की पूजा करना ना भूलें। ये पंचदेव सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु जी हैं। इनकी हमेशा कोई शुभ कार्य शुरू करने से पहले पूजा जरूर की जाती है ताकि आपका हर काम सफलतापूर्वक हो सके। वहीं कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से लक्ष्मी माँ खुश होती है और उनकी कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों नंबर दो, इन देवताओं पर ना चढ़ाएं तुलसी दल। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी की पूजा करने वाले लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है कि वो इन देवताओं के ऊपर तुलसी दल ना चढ़ाएं। अक्सर लोग पूजा करते समय सभी देवी देवताओं के ऊपर पुष्पों के साथ तुलसी दल भी चढ़ा देते हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि शिव जी, गणेश जी और भैरव जी पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। वहीं दुर्गा माँ की पूजा करते समय धूप नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर तीन, सूर्य देव को ऐसे ना करें जल अर्पण। आप हमेशा स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं। ऐसे में ध्यान देने की जरूरत होती है कि कभी भी शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। अगर हो सके तो तांबे के कलश से जल अर्पित करना चाहिए। वहीं आपके घर में तुलसी माता है तो उनके दल को स्नान करने के बाद ही तोड़ें। बिना स्नान किए तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। नंबर चार, ऐसी अवस्था में ना बजाएं शंख। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के समय शंख बजाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि शंख बहुत ही पवित्र होता है। इस वजह से स्नान करने के बाद ही इसे बजाना चाहिए। साथ ही साथ स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में कोई शंख बजाता है तो वहां से लक्ष्मी जी चली जाती है और पूजा स्वीकार नहीं की जाती। इसके अलावा पूजा करने के बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में स्नान के पहले और स्नान के बाद के कार्यों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि सनातन धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानने चाहिए। स्नान के पहले और स्नान के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसे लेकर आज हम आपको बताने वाले हैं शास्त्रों में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण नियम। वायु पुराण में बताया गया है कि आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल स्नान से पहले ही तोड़ कर रख लेने चाहिए। सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि दोस्तों पूजा की कोई भी सामग्री स्नान से पहले नहीं छुई जाती, लेकिन आपको बता दें कि भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूल आपको स्नान से पहले ही तोड़ लेने चाहिए। माना जाता है कि स्नान के बाद तोड़े गए पुष्पों को भगवान स्वीकार नहीं करते। साथ ही ये भी कहा जाता है कि पुष्पों को कभी भी धोया नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि पूजा के बर्तन और थाली स्नान से पहले ही साफ कर लेने चाहिए। दरअसल भगवान के बर्तनों को भी झूठा माना जाता है, स्नान के बाद इन्हें साफ नहीं करना चाहिए। झूठे बर्तनों को स्नान के बाद छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति का फिर से स्नान करना अनिवार्य हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप शरीर पर मालिश करना चाहते हैं तो आपको स्नान से पहले ही तेल की मालिश कर लेनी चाहिए। भूल से भी नहाने के बाद मालिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल तेल मालिश करने से शरीर के कई दूषित पदार्थ बाहर आ जाते हैं, इसीलिए नहाने के बाद मालिश करने पर ये साफ नहीं हो पाते, तो इस वजह से त्वचा के रोग होने की आशंका भी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपको नहाने से पहले ही तेल मालिश कर लेनी चाहिए। अगर आप नहाने से पहले ही मालिश कर लेंगे तो नहाते वक्त सारे दूषित पदार्थ धुल जाएंगे। अगर आप स्नान के बाद रोजाना पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले आपका रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि पूजा करने के लिए शरीर एकदम शुद्ध होना चाहिए, लेकिन रसोई घर में अक्सर झूठे बर्तन भी रखे होते हैं, तो इस कारण पूजा करने से पहले रसोई घर में जाने से आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों ये है वो गलतियां जो अगर आप पूजा के दौरान करते हैं तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते, इसलिए आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।